नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारस क्रिएशन में। आज हम सी बैंड सैटेलाइट कवरेज मैप की बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा सैटेलाइट सी बैंड का सैटेलाइट कवरेज में आता है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो सबसे पहला सैटेलाइट आता है एशिया सैट 105। इस सैटेलाइट का बहुत ही अच्छा कवरेज है इंडिया में। 5 से 6 फीट की डिस्प्ले बहुत ही अच्छा पूरे भारत में इसका कवरेज मिल जाता है और इसमें अच्छे खासे हिंदी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आते हैं। दूसरा मैप है हमारा एशिया सेट 5 का। एशिया सेट 5 का कवरेज हमारे इंडिया में बहुत बढ़िया है और इसमें इंग्लिश इंटरटेनमेंट के चैनल्स ज़्यादा मिलते हैं और कभी कभी लाइव स्पोर्ट फीड भी जिसमें देखने को मिल जाती। तो ये इसका कवरेज 6 फीट की डिस्प्ले पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैप की बात कर लें तो नेक्स्ट मैप हमारा इंटेल सेट 20 का। तो इंटेल सेट 20 अपना इसका कवरेज देख लें तो जयपुर, राजस्थान, लखनऊ, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 8 फुट की डिस्पेस का कवरेज अच्छा मिलता है। और साउथ इंडिया की बात कर लें तो लगभग 6 फीट पे सारी टीपी इस पर मिल जाती हैं। तो इसमें भी बहुत ही अच्छे हिंदी इंटरटेनमेंट के चैनल्स मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सैटेलाइट है ये। और अगर दूसरे सैटेलाइट की बात कर लें तो दूसरा सैटेलाइट है हमारा इनसेट 4A। ये भी बहुत अच्छा सैटेलाइट है। इसका कवरेज 4 फीट से लेकर 6 फीट की डिस्प्ले पूरे इंडिया में मिल जाता है और इसमें टोटल हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के चैनल्स फ्री टू एयर मिल जाते हैं। सारे चैनल्स फ्री टू एयर इसमें चलते हैं। और अपना नेक्स्ट मैप देख लें तो हमारा नेक्स्ट मैप है थाईकॉम 5 का। तो थाईकॉम 5 में कुछ थाई लैंग्वेज के चैनल्स आते हैं जिसमें हॉलीवुड की फिल्में और अपनी बॉलीवुड की फिल्में देखने को मिल जाती हैं जैसे कि। और कुछ कभी कभार इसमें एडल्ट प्रोग्राम भी शायद आता हो, पर अभी ऐसा नहीं, पहले आता था, अब तो कोई जानकारी नहीं है कि ये भी आता है। पहले इसमें एडल्ट प्रोग्राम आते थे, अब शायद नहीं आते हैं। तो और अपना अगला मैप देख लें तो यमल 49 डिग्री, यमल 202 49 डिग्री ईस्ट। तो ये सैटेलाइट बहुत बढ़िया है। 4 फुट से लेके 6 फुट की डिस्प्ले में पूरे भारत में इसका कवरेज है। और प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें रशियन प्रोग्राम, रशियन म्यूजिक, रशियन मूवीज़ यही सब आते हैं। और एडल्ट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें शायद अब एडल्ट प्रोग्राम आना बंद हो गया। 4-5 साल पहले कुछ आता था, अब वो रेन टीवी आता था, अब वो इससे हट गया और उसमें कोई प्रोग्राम भी नहीं था। तो ये छोटी सी हमारी जानकारी थी सी बैंड सैटेलाइट्स के बारे में। आप आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।